कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क का रास्ता हमारे कर्मों से होकर गुजरता है। बचपन से लेकर हमें यही सिखाया गया कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और अगर बुरे कर्म करेंगे तो फिर नर्क का द्वार खुलेगा। और यही पूरा प्रोसेस हमें हमारे जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी ने महाभारत के बारे में तो पढ़ा, देखा या फिर सुना ही होगा, और ये भी पता होगा कि महाभारत के युद्ध में शकुनी और कौरवों ने अधर्म किया था और पांडव धर्म की तरफ से थे, फिर भी शकुनी को स्वर्ग मिला और युधिष्ठिर को नर्क। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर बात करी जाए शकुनी की, तो शकुनी गांधार नरेश के बेटे और गांधारी के भाई थे। जी हाँ, गांधारी वही है जिनका विवाह हस्तनापुर नरेश घृतराष्ट्र से हुआ था। घृतराष्ट्र को आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए विवाह के बाद गांधारी ने भी ये प्रण लिया कि वो भी अब दुनिया को नहीं देखेंगी, और तभी से उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि शकुनी ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप नहीं किया था, वो सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ हुए अत्याचार का बदला ले रहे थे। माना जाता है कि गांधारी अपने समय में अखंड भारत की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मानी जाती थी, और जब वो पैदा हुई थी तब कुछ पंडितों ने कहा था कि उनके पति की उम्र कम होगी और वो मांगलिक है। इसी वजह से गांधारी के पिता महाराज सुबला ने गांधारी का विवाह एक बकरी से कराकर उसकी बलि दे दी ताकि उनका ये दोष खत्म हो जाए। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करते थे, और जब उन्हें पता चला कि गांधारी का विवाह राज्य की भलाई और रक्षा के लिए जन्मांध धृतराष्ट्र के साथ किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। और इसके बाद भीष्म पितामह को गांधारी के मांगलिक होने की बात पता चल गई, और उन्हें इस बात पर अत्यधिक क्रोध आया और उन्हें लगा कि उनके राजवंश की बहू एक विधवा को बनाया गया है। तभी उन्होंने महाराज सुबला और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। उस समय हर व्यक्ति को खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अन्न का दाना दिया जाता था। तभी महाराज सुबला और उनका परिवार उस समय अपना भोजन भी शकुनी को दे दिया करता था ताकि वो आने वाले समय में उनके साथ हुए इस अपमान का बदला ले सके। और वहीं पर उनका परिवार एक एक करके उनके सामने मरते गए, और कहा जाता है कि अपने पिता की अस्थियों से ही उन्होंने वो जादुई पासे बनाए थे जो कि हमेशा शकुनी के इशारों पर ही नाचते थे, और इन्हीं पासों का इस्तेमाल करके शकुनी ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि पांडव जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए थे। माना जाता है कि शकुनी हमेशा अपने परिवार के लिए जिए, इसीलिए उन्हें अपने इतने पापों के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला। जहाँ तक पांडवों की बात है, तो उन्होंने धर्म का रास्ता जरूर चुना था, लेकिन हर किसी ने कुछ ना कुछ गलतियां भी करी थी। दरअसल महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में राज करना शुरू कर दिया था। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, वो धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने लगभग 36 सालों तक राज किया। इसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना राजपाट सौंप कर वो स्वर्ग की तरफ चले गए। रास्ते में उन्होंने कई चीजों का सामना किया, और जब वो पर्वत पर पहुंचे तब द्रौपदी गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। और इसको देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं देखा। और जब सभी पांडवों ने इसकी वजह उनसे पूछी तो उन्होंने बताया कि द्रौपदी ने हम पांचों को अपना पति माना, लेकिन सिर्फ अर्जुन से ही वो सबसे अधिक प्रेम कर पाए, और ऐसे उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। और इसी तरह सभी पांडवों ने कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करी थी। कहा जाता है कि शकुनी महाभारत के युद्ध के अंत तक जिंदा था, और वह इतना चालाक था कि हर बार मुकाबले वाले को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को अपनी शरशय्या पर आखिरी सांस तक लेटे देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग होता हुआ देखा, वहीं चाहे कर्ण की मृत्यु हो या दुशासन के जंघा का अलग होना हो, ये सब कुछ शकुनी ने अपनी आंखों से होता हुआ देखा। लेकिन ये सब देखकर शकुनी कहीं ना कहीं मन में संतुष्ट था। उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा कर लिया, और उसने कुरुवंश को समाप्त कर उससे बदला लेने में सफल हो चुका था। लेकिन अंत में जब शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाया, तब सहदेव ने शकुनी का सर अलग करके उसका अंत कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि शकुनी को आखिर इतने पापों के बाद भी स्वर्ग क्यों मिला। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अनकही और अनदेखी और अनसुनी कहानियों को और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।